स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट आवर फिजिकल फीचर्स. दिस इज द चैप्टर नंबर 1, दैट इज आवर कंट्री इंडिया ऑफ स्टैंडर्ड 4th, सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 1. दिस इज द थर्ड लेक्चर. इन फर्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट आवर कंट्री. इन दिस सेकंड लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया and 29 state and its 7 union territory we can see in that political map as well. So in this session we will learn about the physical features mein bhi humne jana tha last lecture mein ki sabhi ke physical features even humans hote hain to humans ke bhi physical features alag alag hote hain. Koi ugly hota hai to koi beautiful hota hai. So this is the physical features. So अगर कंट्री वाइज फाइंड करें तो फिजिकल फीचर्स है क्या एक्चुअली. सो इंडिया इज अ लैंड विथ ब्यूटिफुल लैंड फॉर्म्स सच इज हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स. इंडिया एक ऐसी ब्यूटिफुल लैंड फॉर्म है जो बहुत कुछ कवर करती है. क्या कवर करती है? द हाई स्नो कवर्ड माउंटेन. जो माउंटेन है वहां पे एकदम हाई स्नो कवर करती है. माउंटेन्स मीन्स जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड माउंटेन्स. देन आफ्टर वैलीज. वैलीज मीन्स खीन. रिवर इट मीन्स नदिया. वाटरफॉल्स. वाटरफॉल्स तो पता ही है ना क्या होता है. सो दैट इज वाटरफॉल्स. हिल्स. प्लेटियस मीन्स पठान. प्लेन्स इट मीन्स मैदान. सी कोस्ट मीन्स जो सी होती है, सी के अराउंड जो कंट्री है या स्टेट है या कुछ भी है. सो जहाँ पे सी होती है, सी कहाँ कहाँ पे है वो हम इस मैप में देखेंगे आगे. सो सी कोस्ट जहाँ पे जो नदियाँ मीन्स जो दरिया काठा होता है, जो समुंदर होता है, उसके आसपास के जो सिटीज होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सी कोस्ट. एंड आइसलैंड मीन्स आइस वाले प्रदेश लाइक हिमालयस एंड ऑल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल फीचर्स अवर कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 5 डिवीजन. हाउ मेनी डिवीजन? 5 डिवीजन. द फर्स्ट डिवीजन इज ग्रेट हिमालयस, द अबोव ऑफ स्नो, द अबोड ऑफ स्नो. पहले जो है वो ग्रेट हिमालयस है. ग्रेट हिमालयस जो है वो पूरी स्नो से कवर हुई है. सेकेंड थिंग इज द फर्टिलाइट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया. सो फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया मीन्स क्या होता है? जो नॉर्थ इंडिया है वहां के जो भी सिटीज है या जो भी एरिया है वो एकदम फलद्रुप है. मीन्स वहां की मिट्टी बहुत अच्छी होती है. सो वहां पे बहुत ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी बहुत सारा प्रोडक्शन हो सकता है. तो वो सारे एरिया जो है तो फर्टाइल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया. देन आफ्टर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट. सो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है तो थार डेजर्ट है, वो भी एक बहुत फेमस थार डेजर्ट है. लाइक राजस्थान है तो वहां पे क्या है? रण है. ठीक है, फिर डेजर्ट में दूसरा कच्छ का रण आता है. सो दैट इज कॉल्ड डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स रण. देन आफ्टर द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन मीन्स दरिया काठा. मीन्स जो समुद्र है, समुद्र के आसपास जो भी है, समुद्र के आसपास जो भी सिटी लोकेटेड है या स्टेट लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स. देन आफ्टर द साउथर्न प्लेटियस इट मीन्स जो दक्षिण, साउथ मीन्स दक्षिण साइड जो पठान है, दैट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स. सी दिस इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इन दिस मैप वी कैन सी दैट द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियंस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ओशियंस. ये सारे सी हैं. ठीक है, दिस इज आवर कंट्री इंडिया. सो इन दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट ये जो ब्राउन कलर का है वो है माउंटेन. फिर ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज नॉर्थन प्लेन्स. ये येलो कलर का है दैट इज थार डेजर्ट. देन बाकी का जो प्लेटियस रीजन वो बहुत कम है, रेयरली दिखता है इसमें तो. सो दैट इज प्लेटियस रीजन.
फिर द कोस्टल प्लेन्स, लाइट कलर का जो है ये है कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पे हम देखें तो माउंटेन कहाँ कहाँ पे हैं, तो माउंटेन जो जम्मू एंड कश्मीर है, श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे आओ तो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो ये जो सारी सिटीज़ है, स्टेट है, तो यहाँ पे आप देखो तो माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं, वो पूरे जो कवर होते हैं, यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज की रेंज होती है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। सो दिस इज द माउंटेन। फिर आता है ये येलो वाला थार डिजर्ट, ये है राजस्थान जयपुर, तो ये जो है राजस्थान स्टेट है। फिर यहाँ पे भी हम कच्छ वाला जो है डेजर्ट, वो भी इसमें कवर हो जाता है। सो दिस इज अ थार डेजर्ट। फिर यहाँ पे आप देखोगे लाइट ग्रीन कलर का, देख रहे हो आप लाइट ग्रीन कलर का, ये है गुजरात। फिर यहाँ से आगे जाओ तो महाराष्ट्र आता है, मुंबई आता है, तो मुंबई पे भी आपको पता है कि मुंबई का जो है वहाँ पे सी फूड भी बहुत फेमस है। फिर यहाँ से थोड़ा आगे जाओ तो आता है गोवा, फिर आता है केरला, फिर यहाँ से आप जाओ तो यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, उसको हम थोड़ा काउंट कम कर करते हैं। फिर आता है यहाँ पे आगे जाओ तो पौंडीचेरी आता है, चेन्नई आता है, ठीक है, पची यमन आता है, भुवनेश्वर आता है, ओडिशा आता है, भुवनेश्वर आता है। सो ये सब कुछ है, बे ऑफ बंगाल से कवर हुआ है, यहाँ पे ग्रेट इंडियन ओशन से, सबसे बड़ा ओशन से ये सब कुछ कवर हुआ है, और यहाँ पे अरेबियन सी है, हमारे गुजरात है। तो ये सभी जो मैंने स्टेट बोले, ठीक है, तो उस सारे स्टेट के आसपास जो है वो पूरा क्या है, सी से कवर है, क्या है, सी से कवर है। सो दैट इज द कोस्टल प्लेन्स, उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स आप सभी को समझ में आ गए। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल डिवीजन। सो इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट एंड इट्स 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। These are further divided into district and small administrative units for the purpose of easy governance. In our last lecture, we already discussed about the political division, India and its 29 state and its 7 union territories. 29 स्टेट थे जिसमें आता था गुजरात, आता था गुजरात, आता था गांधीनगर, गुजरात में गांधीनगर, तो उसकी कैपिटल भी हम लोगों ने जानी थी लास्ट लेक्चर में। फिर राजस्थान है तो उसकी कैपिटल है जयपुर, फिर पंजाब है तो उसकी कैपिटल है चंडीगढ़, फिर हमारी इंडिया की कैपिटल जो है, मेन कैपिटल जो कहलाती है वो है दिल्ली, और नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टेट एंड इट्स कैपिटल, देन आफ्टर यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जैसे पाकिस्तान था, फिर यहाँ से आगे जाओ तो अफगानिस्तान था, फिर यहाँ पे चाइना था, म्यांमार था, भूटान था, नेपाल था, तो वो सारी 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और ये पॉलिटिकल डिवीजन जो है उसमें नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ उसको स्टेट और उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग टू डिवाइड करते हैं, उसके अंदर सपोज एक स्टेट होता है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसकी एक कैपिटल होती है, और उसके अलावा उसको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड किया जाता है। जैसे गुजरात है तो गुजरात में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सच एज अहमदाबाद है, बड़ौदा है, राजकोट है, सूरत है, सुरेंद्रनगर है, सो दिस इज ऑल आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट। अभी डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में भी उसके सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें छोटे छोटे विलेज भी होते हैं, जैसे सुरेंद्रनगर है तो उसमें स्मॉल विलेज क्या है, तो सच एज वढ़वाण है, जोरावर नगर है, सो ये जो छोटे रतनपुर है तो उसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग टू भी उसके अंदर स्मॉल स्मॉल विलेजेस हैं। और ये सब कुछ डिवाइड क्यों किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ इजी गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट है उसको डिस्ट्रिक्ट और विलेज के अकॉर्डिंग टू हम इसलिए डिवाइड करते हैं कि हमें इजीली फाइंड करते हैं। अभी चलो हमें अहमदाबाद चले गए,
चलो अहमदाबाद चले गए, फिर एड्रेस तो किसी और लोकेशन का लिखा है। अभी अहमदाबाद में एक स्मॉल विलेज करके है, दैट इज ढैडूली करके विलेज होगा या कोई और विलेज हो जैसे नारायणपुरा नवरंगपुरा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये उसके अलग अलग एरियाज है। एटलीस्ट हम अहमदाबाद पहुंच गए तो हमें कैसे पता चलेगा हमें उसी लोकेशन में पहुंचना है। उस लोकेशन के अकॉर्डिंग टू हमने उसके नेम वाई फॉरगेट किए हैं और वो वाई फॉरगेट हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। सो ये बात हुई फिजिकल फीचर्स एंड इट्स पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में। सो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अवर कंट्री, हमारी कंट्री क्या है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट, इट हैज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सेकंड थिंग, सिटी वाइज फाइंड करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, मुंबई में। तो ये सब कुछ हमने कंट्री के बारे में देखा था, लोकेशन के बारे में, एंड आज हमने जाना कि फिजिकल फीचर्स क्या है और उसकी पॉलिटिकल डिवीजन भी क्या क्या है। क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू सो मच।